हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमल किशोर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में स्टडी करता हूं और साथ ही साथ एमबीए टूरिज्म का छात्र हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एलडीसी लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप जो है रायसेन कुल्लू में होने जा रहा है, तो हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम आपको दिखाएंगे कि हमने वहाँ क्या क्या किया। थैंक यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका अपना तरुण शर्मा टूरिज्म डिपार्टमेंट से। आज हम सभी एलडीसी के लिए जा रहे हैं, रायसेन वैली के लिए, और ये हमारा पहला दिन है। सो जुड़े रहिए हमारे साथ आखिरी तक। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ हर्ष धर एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई स्टडी एट हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन टूरिज्म डिपार्टमेंट। एंड टुडे आवर डिपार्टमेंट इज गोइंग फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप एंड एवरीवन इज क्वाइट एक्साइटेड, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड टू सी यू ऑल अगेन सर। एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ आवर हिमालयन वैगाबॉन्ड टीम टू आवर कैंप, हिमालयन वैगाबॉन्ड कैंप फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके, लाइन में चलेंगे, भीड़ नहीं जमाएंगे, कोई किसी को ओवरटेक नहीं करेगा। इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी 500-600 केजी तक है। इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ये पैर कटा खुद बनाया हुआ, खुद सिलाया हुआ, ये कंपनी का ब्रांडेड है साइन। इसकी 1500 तक भी हो सकती है। अभी ये इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बस इसमें क्या रहता है, अभी ये हार्नेस है, ये बेस्ट के लिए है, जो पैरों के लिए इसमें भी पूरी ये इसीलिए होता है क्योंकि इसमें अगर मैं रस्सी में बांध कर कोई चीज़ करता हूँ, सपोज मान लो मैंने यहाँ पे रस्सी बांध दी, जल्दी से हीटअप हो जाते हैं और उनमें टूट भी जाते हैं। इनका मैक्सिमम जो वर्किंग आवर्स होता है ओनली 300 आवर्स। अगर 300 घंटे से ज़्यादा ये यूज हो तो थ्रो डिस्कार्डिंग, बेशक कंडीशन अच्छी है लेकिन थ्रो।
आखिर कभी भी धोखा दे सकता है, ठीक है। पैटर्न्स बोलते हैं, वैसे ये मीटर्स है, ठीक है। ग्लव्स क्या होती है, और फाइव फिंगर्स, इसमें सिर्फ ओके गुड लक के लिए सिर्फ जगह होती है, बाकी चीज़ों के लिए जगह नहीं होती। इसको मीटर्स बोलते हैं। अगर ऐसी भी चीज़ ऐसी चीज़ कहीं पे जंप करेंगे, शाबाश। विसल बजेगी, जब विसल बजेगी यू हैव टू स्टॉप दैट टाइम, ओके। गेम बंद हो जाएगी उस टाइम, तो फिर इस okay, stop. This is what they have to learn. Okay. So that time we need this one now. Okay, इसको use करते हैं। जो आदमी सबसे आगे लीड कर रहा है वो इस डॉट को टाई करता है, फिर कुछ लोग बीच में ले सकते हैं, या जो आपका बड़ी है आपके साथ में उसके साथ, इस तरह से सिंपल आप इस तरह से मेरे को दिखा सकते हैं। माउंटेन में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो माउंटेन में कई तरह के हैजार्ड होते हैं, कई तरह की मुश्किलें होती हैं, दिक्कतें होती हैं। जैसे उनमें से एक सबसे बड़ा हैजार्ड है रिवर, ठीक
क्योंकि वहाँ पे ब्रिज बनाना तो बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पर आप लोगों को इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। आप लोगों को रिवर क्रॉसिंग की टेक्निक का पता होना चाहिए कि रिवर क्रॉस कैसे की जाती है, ठीक है। पानी का बहाव तेज है, ये मेरे को स्टेबल करके रख सकते हैं पानी में, ठीक है। शाबू में पीछे रिलीज करेंगे, ये अगर पानी का प्रेशर है तो मैं इनको सिग्नलिंग दूंगा, ओके, ऐसे ऐसा बोलूँगा तो ओके। अगर close again. 8 o'clock. 1. Nature को feel करो. आंखें नहीं खोल रही है. हैंड टू हैंड इसको, हाँ हैंड टू हैंड इसको कोई भी नहीं देगा ऐसे, अगर छूट गया ऐसे, छूट गया तो यू हैव टू रीस्टार्ट। थोड़ा सा अपने आप को मेंटली, थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं। Even girls to girls, I have seen boys also. You need to become little mentally and physically little strong. Because अगर इसी पेस के साथ आप चलते रहोगे, then it would be really a challenging task for you all. Check. इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको आपकी टीम की सपोर्ट की जरूरत होगी, फिजिकल एंड मेंटल मोटिवेशन। जो भी आपने टीम वर्क के ऊपर जो भी एलिमेंट्स, जो भी डायनेमिक्स आप लोगों ने बताए, वो सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। इसे बोलते हैं फ्रेंडशिप ले रहे हैं, जैसे कि फ्रेंड से क्लियर है कि दोस्त के साथ कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर वो कैसे कम्युनिकेट करता है, दैट विल बी हिज ड्यूटी। अगर कहीं पे भी लैग कर गए, कहीं पे भी कोई पॉइंट छूट गया, तो देन इट इज गोइंग टू बी द नेग्लिजेंसी ऑफ योर लीडर, ठीक है। द आइडिया इज दिस एंटायर टीम टास्क इज कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज योर लीडरशिप स्किल। एज अ लीडर हाउ यू टेक थिंग्स एंड एज अ लीडर हाउ यू कम्युनिकेट थिंग्स एंड बींग अ टीम योर लीडर इज सेइंग एंड व्हाट योर लीडर आपने यहाँ भेजना है, जो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को कम्युनिकेट करके बता सके। चल स्टार्ट करेंगे। फिश
small fish. Big fish. Big fish. Small fish. चल 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 ये वाली साइड करो जाने क्या इधर साइड रहा है मीट की ज्यादा महंगा लग रहा है बहुत महंगा ओके टीम मेगी ओके चलो जी यहां पे जी ये देख लो यहाँ पे बन गई थी लीडर Always slow walker, walk in the front. वो front में walk करेंगे okay? और एक rhythmic pace में चलेंगे Number two, keep intake of waters. Every 20 minutes, 30 minutes. रजाई की तरह भी यूज कर सकते हैं तो जो हमारी तरह पहलवान है मेरी और श्रद्धा की तरह तो वो जिप लगा के और कैसे और जब आप जिप करोगे ना इसको फिर दिक्कत आती है थोड़ी सी ये ऐसे बालू वाली खाल जरा ऊपर आती है ज्यादा नीचे भी नहीं कहीं का ये निकला होता तो प्यार से ऐसे ओके ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ओके अब लगता है कि यार आधी बॉडी मेरी इसमें जाएगी ठीक है ऐसे यहाँ तक लगाई ओके जी थोड़ा सेटिंग किया ऐसा ठीक है ऐसे नहीं खींचना फिर ये इकट्ठा भी हो जाए मोटवा बन जाता है ठीक है ऐसे ओके जी ये देखो
ठीक है यहाँ इतनी बॉडी आई फिर फर्श एंड दुकान बोथ टुगेदर ओके इस तरह से। अब देखो सेटिंग हो गई ठीक है, अब देखना जगह कितने का है ठीक, ऐसे यहाँ पे ऐसे सेटिंग थी ओके जी। हाँ फोन रखना या आँखों की रात को छेड़ने को होता है, स्लीपिंग बैग में नहीं जाना चाहिए। फिर आंखें बंद करनी थोड़ी देर में कोमा में ऐसे यहाँ तक ज्यादा ऊपर तक पैक करने की जरूरत नहीं है। फिर जो इसका हुडी है ना, हुडी अगर आपके पास कैप है तो कैप भी पहन सकते, आजकल जरूरत नहीं है इसको इस तरह से ओके। अगर ज्यादा ऊपर करना है तो इतना करो, हो सकता है कि राइडर स्लिप भी कर सकता है। यहाँ पे देखो वेलक्रो है, इस वेलक्रो को क्लिप करना इस तरह से, फिर नहीं निकलेगा ठीक है। मैक्रोनी बनाओ, मैं खुद बना दूंगा तुम्हारा ठीक है, मैक्रोनी बनेगा पर्सनली, टेंशन नहीं है, पर्सनली सुबह का मैक्रोनी मैं बना दूंगा। और उसका जो अगर ब्रेड ब्रूड कुछ बची होगी तो उसको भी इस्तेमाल कर। जाते पीछे रह जाते ना, उनको थोड़ा थोड़ा देना चाहिए है ना, सुखा के पाउडर बना के गर्म पानी के वाइल्ड हॉट चेस्टनट जो जो इसका जो नट जो होता है उसकी शेप होती है, कई जगह बीच में गिरे भी हुए थे यहाँ पर कहीं देखे थे मैंने, जो हॉर्स होता है चेस्ट होती है उसकी तरह शेप में आता है। वो दिल्ला जुर्दी जुरी
ਪਾਲੇ ਜ਼ੁਰਦੀ ਮਿੱਖਾ ਪਾਲੇ ਜ਼ੁਰਦੀ ਮਿੱਖਾ ਉਹ ਦਿਲਾ ਜ਼ੁਰਦੀ ਜ਼ੁਰੀ ਉਹ ਦਿਲਾ ਜ਼ੁਰਦੀ ਜ਼ੁਰੀ ਪਾਲੇ ਜ਼ੁਰਦੀ ਮਿੱਖਾ ਪਾਲੇ ਜ਼ੁਰਦੀ ਮਿੱਖਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਬੋਲੂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਬੋਲੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੇਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੇਖਾ कि आप सब लोग एक दूसरे को थैंक्स करें सब एक दूसरे को धन्यवाद करें यहाँ पर पहुँचने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी करें सब लोगों को थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी MBA डिपार्टमेंट ऑफ MBA इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी they have come here for LDC course, and the entire batch has successfully completed this Kufri Tila top and safely and sound. They are all safe and they all are sound, and I wish them all the very best for their future, and may mighty Phogni Mata bless all the students and wish you a go. I would like to congratulate each and every students once again. Oh, God.
गुड इवनिंग, मेरा नाम सुंदर गायस्ता है। सो मैं हिमालयन बेगाबॉन्ड कैंप में एज ए बीआई इंस्ट्रक्टर हूँ और यहाँ पे मैं बेगाबॉन्ड की बिहाव से एलडीसी कोर्स रन कर रहा हूँ जो हमीरपुर यूनिवर्सिटी से है। इन लोगों को मैंने सर्वाइवल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, एडवेंचर एक्टिविटीज़, बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बारे में बताया और इसके साथ ही इनका सर्वाइवल कैंप का प्लान किया था हम लोगों ने। तो अभी हम सर्वाइवल कैंप करने के लिए फुंगनी टॉप के लिए आए हैं और इवन कि हम लोगों ने फुंगनी टॉप समिट भी किया है। हम लोगों ने यहाँ पर टू नाइट्स थ्री डेज स्पेंड किए हैं। तो शायद मुझे लगता है कि बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी टफ थे लोग और काफ़ी डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल और जो टीम वर्क था इनमें बहुत अच्छा टीम वर्क था, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में भी जो भी चीज़ें मैंने इन लोगों को बताई सिखाई वो आने वाले भविष्य में इन चीज़ों को ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। गुड इवनिंग, मेरा नाम रविंदर नेगी है। मैं यहाँ हिमालयन बेगाबॉन्ड की तरफ से एज ए वी आई इंस्ट्रक्टर आया हूँ। हमारे पास वी आई ए हमीरपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हैं और क्या बोलते हैं, आज हम कुफरी हाइट गेनिंग, कुफरी से पूरी टॉप हाइट गेनिंग के लिए गए थे और मैक्सिमम सब बच्चों ने हाइट गेनिंग कर ली थी और सबका सही रहा। और ये हमीरपुर के बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग और मेहनती बच्चे हैं और बात सुनते हैं। आदमी वहाँ से जाते हैं, अभी आप जाएंगे वहाँ पर ना सोएंगे रास्ते में, जहाँ से ट्रेल है मेन ट्रेल, तो मेन ट्रेल में आपको रात को ना वहाँ से लोगों की जाने की आवाज़, चलने की आवाज़ आएगी, बात करने की आवाज़ आएगी। एक दो जगह है वैसे पॉइंट ना, तो वहाँ पे आप लोगों को आवाज़ सुनाई देगी कि यार लोग
लोग ना रेस्क्यू के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है? तो क्या भाई रेस्क्यू क्या? किसी को बचाना, किसी को सेव करना। तो किसी को आप कैसे सेव कर सकते हैं? पहले खुद बस फायदा नहीं, फिर उसको जल्दी से पहले तो कर सकते हैं। जब खुद बचना होता है, जब खुद का पहले खुद को बचाव आता है, उसको ऐसे डालना है। इस तरह से क्रॉस करने के बाद फिर से छोड़ दो। देखो ऐसे, अगर आपके पास एक ही रोप है तो ये नॉट बीच में नहीं रखनी है। हो सकता है कि जो रेस्क्यू देने वाला उसको भी चूक सकती है, जो पेशेंट है उसको भी चूक हो सकता है कि उसको रिब केज फ्रैक्चर है, तो आप उसको और फ्रैक्चर करेंगे, ठीक है? ओके, आप सर पूरी तरह पीछे ले जाओ, चलो चढ़ जाए ऊपर ला जाओ। पैर कैसे उठाते हैं? एक जगह पैर डाल ऐसे। ओके, अभी क्या करेंगे? ये हमारे सर को कोई दोस्त मिला। ओके, जैसे स्टार्ट हुई है और यहाँ तक अब तक जो भी हुआ तो वो आप लोगों को कमेंट और भैया प्रेजेंट करिए, बताएंगे कि क्या लेके आए थे, क्या सोच के आए थे, क्या हम लोगों ने यहाँ पे किया, तो वो भी आपको एक थोड़ा सा उसमें शब्दों में मेरे कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो सर नमस्कार। तो ऑन द बिहाफ ऑफ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। रंगो सर और टाइगर सर, रविंदर सर, साथ ही साथ हमारे मैम शालू मैम और साथ ही साथ पायल मैम और हमारे अनिल सर का भी, जिन्होंने हमें यहाँ भेजा और हमारे को मतलब यार जो हम वहाँ से मतलब कॉलेज से जो सोच के आए थे वो हमारी जो थिंकिंग थी वो यहाँ की चेंज हुई। स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगी संतोष सर का, अरविंद सर का, संतोष सर ने हमें खाना खिलाया और सभी का मतलब यहाँ पे आके सभी ने अपने में एक नई कोई चेंज पाया है। और मैं ट्रैक की बात करूँ तो हम स्टार्टिंग में जब यहाँ से चले तो स्टार्टिंग में टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी गलती होगी सभी से, जिसका हमें पता लगा कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी। आगे जाके हमें धूप में चलना पड़ा जिसकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई, कोई ना कोई फिजिकली अनफिट था, लेकिन सभी इतने मोटिवेट हुए थे टीचर्स से कि उनको वहाँ तक जाना था तो सभी गए और सभी ने पूरी टीम्स ने साथ में मिलकर अपने एक लीडरशिप सभी ने निभाई। और जहाँ हम पहुँचे हमने वहाँ पे कैंप हाउस टूफरी हाउस में अपना कैंप वहाँ पे सर्वाइव किया। तो वहाँ पे सभी ने मिलकर किचन्स की ड्यूटी सभी अपने प्रॉपर निभाई, मतलब सभी एक दूसरे के काम में भी हेल्प करते, जो उनकी ड्यूटीज थी वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई। और नेक्स्ट डे जब हम कुफरी डॉक्टिला जा रहे थे तो सभी जो नहीं चल पा रहे थे उनको भी उन्होंने हाथ पकड़ कर वहाँ तक पहुँचाया। तो यहाँ पता लग रहा है कि हमारी क्लास क्या बन के आई थी और क्या बन के जा रही है, सभी में कोई ना कोई चेंजेस है, कोई ना कोई एक दूसरे को जान पाया है। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि हम यहाँ पर आए और हमें इतना अच्छा सीखने को मिला। आगे हमारे जूनियर्स आएंगे तो हम उनको ज़रूर मोटिवेट करेंगे कि वो यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि ये लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है जो हमें लाइफ टाइम याद रहेगा। थैंक यू।
सालों से अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को अवगत करें। तो टुडे इज द फाइनल नाइट ऑफ योर लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप एंड ऑफिशियली वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप टुनाइट विद दिस प्रेजेंटेशन सेरेमनी। And before we wind up this presentation ceremony, I would like to first of all like to thanks to my core dedicated team for being there with me, always being connected to us. Because without their cooperation and without their support, it would have not been possible. But any conflicts or any disputes से ही हम लोग सीखते हैं. Realization बहुत जरूरी होती है. मैंने हमेशा पहले भी कहा है आप लोगों को. ये जो ego है, ये attitude है, वो आप लोगों के साथ में लाइफ टाइम साथ में नहीं रहने वाले। जितना जल्दी आप इन सब चीज़ों को यहाँ पे छोड़ दोगे उतना बेटर। एंड आई एम ग्लैड दैट यू पीपल हैव एक्सेप्टेड दैट एंड यू हैव रियलाइज्ड दैट एंड यू हैव परफॉर्म एंड यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ इनटू अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। एंड आई कैन मेक आउट फ्रॉम योर फेसेस, आई कैन मेक आउट फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई हैव सीन इन यू। एंड अ टोकन ऑफ लव टू माई डियरेस्ट स्टूडेंट and my younger sister as well, as a token of love, we want to represent my heart. What about you? Sir, you have taught us lifetime, keep it down to us. Whether you are anywhere, in any position, whether it is a small position or a big position, but always keep with your roots. And enjoy it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2015 में आई थी तब से बच्चों को यही बता रही हूँ कि वहाँ जाना है, बहुत मजा आता है। और इनको भी यही बताई थी चाची से, सीनियर्स को भी, सबको यही कि बहुत मजा आते हैं, बहुत मजा आते हैं। तो आ रहे मजे? Yes, मन कर रहा जाने का? No, शालिनी नेगी है और मैं एज ए लेड इंस्ट्रक्टर हिमालयन बैगावन टीम में काम कर रही हूँ। और हमारे पास अभी HBTU के स्टूडेंट्स आए हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं। इनके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सारे बच्चे बहुत होनहार हैं, सब अच्छे हैं, हमने हाइट गेन की, सबसे बड़ी बात वो है, और सब ने ही बहुत अच्छे से किया। आगे के लिए इनको, इन फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ये आगे लाइफ में अच्छा करें, बहुत अच्छा करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कमल किशोर एंड आई एम फ्रॉम सोलन। और मैं हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में MBA टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम सभी ने अभी अपने LDC पे गए थे, लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप रायसन कुल्लू, और हमने वहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें सीखी और सभी के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे बॉन्ड बनाए। मतलब सभी ने है जो बहुत अच्छा काम किया वहाँ जाके, और हमने जो है मतलब अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली वहाँ। हमने ट्रैकिंग की, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, साथ ही साथ फ्रेंडशिप रोप, बहुत ही सारी एडवेंचर गेम्स भी की
जो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके। तो जैसे हमारे जूनियर्स भी आएंगे, हम उनको भी कहेंगे कि आप सभी जाएं वहाँ जाके, एक्सपीरियंस लें, हर एक चीज़ करें वहाँ जाके। वहाँ पे जो सर वगैरह हैं, टाइगर सर, शालिनी मैम, रैम्बो सर और रविंदर सर, उनके भी मतलब ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी हमारा बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया और साथ ही साथ बहुत साथ दिया हर एक चीज़ में। थैंक यू। माय नेम इज़ सुमित चौधरी एंड आई एम फ्रॉम कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। मैं आज LDC के बारे में रिव्यू दे रहा हूँ। तो LDC का मीनिंग होता है लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप। सो LDC मेरे विचार में सभी को प्रेफरली जाना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो LDC तुम्हारे लिए सब मेन इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे कोर्स में, और दूसरी बात यह है कि LDC पे जाने से तुम्हें ये भी पता लगता है कि कोऑर्डिनेशन वगैरह भी तुम्हें पता लगता है अपने फ्रेंड्स के बीच। और LDC में ये भी है कि तुम क्या मतलब रैपलिंग वगैरह सीखते हो, ट्रैकिंग वगैरह सीखते हो। और मैंने LDC से ये सीखा कि अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स को अच्छे से जाना। और ये है कि मेरा व्यू है कि LDC सभी को जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी गौतम, आई एम फ्रॉम ज्वालाजी। मैं HPTU की छात्रा हूँ, और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम रायसेन कुल्लू में LDC कैंप के लिए गए थे। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ जाके सीखा कि कैसे टीम वर्क करते हैं और कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, और बिल्कुल जितने कम रिसोर्सेज होते हैं उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। और वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैंने और मेरे सारे क्लासमेट ने बहुत इंजॉय किया। और मैं अपने जूनियर्स को भी ये बोलना चाहूँगी कि आप सभी भी वहाँ जाएं। और थैंक यू।